गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। किदा सारे साहब रे? वधिया। सवेर दे बज रहे आ 7:30। दसो आपका भाई कैसा लग रहा? मस्त लग रहा, मस्त लग रहा। सब हो गया रेडी? एक्चुअली घर में आज ना फंक्शन है, तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चाहते हैं महाराज साहब लेके आना है गुरुद्वारे से, आपको दर्शन कराते हैं। यार गाड़ी वगैरह सब धो दी है मैंने, क्योंकि महाराज साहब इसी में आएंगे। तो समूह बैठेगा भी पीछे? बैठ जा, बैठ जा। बिना चप्पल तो नहीं है। चलिए हम लोग भी बैठ। गुरलीन को ले छोड़ दूंगी। हाँ बेटा, गुरलीन को ले। गुरलीन भी आ रही है। ठीक है, पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? क्या है? इधर देखो, इधर देखो। जलवीर फटता था। नहीं जलवीर फटता। तो यार शाम के बज रहे हैं 4। मैं निकल चुका हूँ पटियाला से। 3 दिन 4 दिन कब बीत गए पता भी नहीं चला, बच्चे के साथ और काम काज करते करते। अभी फिर से नेक्स्ट वीक फिर पटियाला आना है। स्टिल मैनी थिंग्स आर पेंडिंग, तो उसको भी कंप्लीट करना है। बाकी ये सब तो चलता रहेगा। बाकी सारे किद्दा तो बढ़िया ही चल रहे होना। तो बस ऐसे ही अपना 3-4 दिन का सफ़र चला घर पे। ब्लॉग बनाने का यार टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि दिन भर बाहर बाहर और बाहर की ही क्या आप लोगों को मैं डेली ब्लॉग शोकेस करूं, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया। बट लेकिन आज हम फिर बाहर निकल गए हैं रास्ते पे, तो ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वीक फिर से पटियाला, जैसा भी भले बताया, फिर आएंगे, फिर ब्लॉग बनाएंगे। ओ फुलटोस चेकिंग पटियाला, आई लव पटियाला। ओहो क्या गड्ढे। ये अपना इधर नया पटियाला बना है, ओल्ड पटियाला आगे रह गया। लेकिन यार ये बस अड्डा इधर बना है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने लगा है, प्लस एज वेल एज जो यात्रीगण हैं उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से ना अंदर सिटी की तरफ जाने के लिए जो साधन है वो बहुत कम मिल रहा है। अरे भाई ऐसे गाड़ी चलाएगा तो कैसे चलेगा? राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। धन्यवाद जी, फिर आएंगे हम पटियाला में। ये पटियाला यूनिवर्सिटी का जो हद है वो स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा जो एरिया पटियाला यूनिवर्सिटी का है। और ये जो एरिया है ये बहादुरगढ़ उसको बोलते हैं, बहादुरगढ़ वाला एरिया। इस पुल के नीचे से भी अगर राइट लूंगा तो मैं दिल्ली निकल सकता हूँ, बट लेकिन वो गांव के अंदर से होके जाता है सड़क, तो अवॉइड करता हूँ। लेकिन है बड़ा जो रूट है ना व्यू के प्रस्पेक्टिव से बड़ा शानदार है। और इसी रूट पे एक मंदिर भी पड़ता है, आई थिंक काली जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है वो भी। नहीं काली जी का नहीं, सॉरी शीतला माता का मंदिर है।
हैंको ऑनलाइन मोटर्स। भाई ये तो अलग ही सीन हो गया, जैसे ही पटियाला से बाहर निकला, ये देखो अंबाला हाईवे पे हूँ मैं अभी, बरसात पीछे कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, अब बादल भी काले काले तो हैं, अब देखते हैं कि यार जोर से ना हो जाए, मौसम ठंडा रखे बरसात ना हो, बस खाली यही एक रिक्वेस्ट है ऊपर वाले से, क्योंकि तो यार बरसात होगी ना यार फिर से गाड़ी रोको, रेल लाइनर पहनो और सारे बैग्स वगैरह को ना रेल लाइनर से ढको, और टीडियस टास्क हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। हाँ मौसम जैसा इस तरह का है ठंडा ठंडा वैसा बना के रखे बरसात का। रात में ये वाला ये लगाया है, यहाँ आना था बट लेकिन फिर से यार इस महीने में काम बहुत ज्यादा आ गया तो राइड प्रॉपर हो नहीं रही है सैटरडे संडे की। दानिश भी थोड़ा बिजी है अपने यूपीएससी वाले क्या बोलते हैं आर्टिकल्स को लेके, वो भी अभी बिहार गया हुआ है अपनी घोड़े पे बादल पे। भी थोड़ा सा घर परिवार के चक्कर में थोड़ा ज्यादा बिजी हुआ, फिलहाल अभी आई थिंक यूपी में। फिलहाल तो हम क्रॉस कर रहे हैं मुरथल, अंधेरा ज्यादा हो गया, होप सो क्लैरिटी सही है वीडियो की। नींद आ रही, मौसम बढ़िया है ना, पहाड़ी इलाका हो तो भाई गाने उन्हें बजाते हुए सुनते हुए आदि चला जाता है, बट लेकिन यहाँ इस हाईवे पे थोड़ा सतर्क होकर चलाना पड़ता है गाड़ी, इसलिए ध्यान ज्यादातर रोड पे ही रहता है। पहाड़ी इलाकों में ट्रैफिक नहीं होता बट कहीं कहीं ऑफ रोडिंग आ जाती है, वहां पे भी सतर्क होकर चलाना पड़ता है, बट लेकिन देखे यही सतर्कता की बात कर रहा था मैं, अचानक से कहीं से भी टर्न ले लेते हैं भाई साहब। तो यार रात के बज रहे हैं 9:30, मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने रूम पे, बहुत लंबा रूट लेना पड़ा था, दिल्ली में एंटर तो हो गया था बट लेकिन जैसे ही गुड़गांव वाले दौला कुआं से जैसे ही लेफ्ट लेने लगा वहीं पर पुलिस वाले ने रोक दिया, बोला कि भाई ये रूट सारा बंद है, तो वो लोग कुछ अलग रूट बता रहे थे बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाई मिस्टेक मैं पंजाबी बाग वाला रूट ले लिया, फिर वहाँ से किसी ऑटो वाले से पूछा भाई गुड़गांव निकलना है, तो उसने बोला कि लेफ्ट ले लें, तो वो सीधा डिफेंस वाली एरिया होते हुए सीधा एकदम एयरपोर्ट के बैक साइड निकला, और फिलहाल अब जाके गुड़गांव पहुँचा भाई, हर जगह पुलिस वाले तैनात फुल सिक्योरिटी। लेकिन एक चीज़ और बढ़िया लगी कि भाई दिल्ली की रोड सड़कें जितनी सब खाली, क्या मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में, तो जैसा था अच्छे से पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, और रास्ते में बरसात हो रही थी तो सारे गैजेट्स वगैरह सारे सेफली बैग में रख दिया क्योंकि पानी ना पड़ जाए, क्योंकि मैंने वो क्या बोलते हैं वाटर केस वगैरह रखा नहीं था, इसलिए मैंने सारा खोल के बैग में रख लिया, बीच में कंटिन्यू व्लॉग नहीं कर पाया, वीडियो शूट नहीं कर पाया। खैर ये रूट तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है तो ज़्यादा शूट करने का वैसे ही मन नहीं किया,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, ध्यान से गाड़ी चलाएं। बाय बाय, गुड नाइट।